हमारा ए स्क्वायर है 1 0 माइनस 1 7, तो हमारा ये 1 ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर फाइंड करने के बाद हमें करना क्या है, पहले ए स्क्वायर फाइंड करो, 1 0 माइनस 1 7, तो फाइंड फर्स्ट ए स्क्वायर व्हाट विल बी वैल्यू। अब बाद में इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे, तो बताइए मुझे व्हाट आर द एंट्रीज इन द ए स्क्वायर, एंट्रीज क्या हो गए ए स्क्वायर में, कौन से एंट्रीज हो गए ए स्क्वायर में, व्हाट आर द एंट्रीज इन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की एंट्रीज क्या होगी, व्हाट विल बी द एंट्री इन ए स्क्वायर, पहली एंट्री बोलिए क्या होगी ए स्क्वायर, व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की पहली एंट्री क्या होगी, व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की पहली एंट्री क्या होगी, 1 into 1, वन इंटू वन वन और जीरो, ये पहला रो पहले कॉलम को 1 into 1 1 और 0 into -1 2 1 आएगा पहला एंट्री, बेस पर का दूसरा एंट्री 1 into 0 0 0 into 7 0 दोनों जीरो हो गए। अब सेकंड एंट्री ए स्क्वायर का, ये -1 7 मल्टीप्लाई करेगा -1 7 इधर -1 into 1 -1 और 7 into -1 -7, तो -1 -7 व्हाट विल बी, इज इट -8, चेक करो -1 into 0 7 7 7 14, इज इट द फर्स्ट एंट्री ऑफ ए स्क्वायर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 1 into 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 0 0 into 7 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 into 1 -1 और 7 into -1 -7 -8 -1 into 0 0 7 7 are 49, so you got 1 0 -8 49 as a ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आपको मिलेगा 1 0 -8 49, ए स्क्वायर आपको मिलेगा 1 0 -8 49, चेक करो सब लोग आपका ये ए स्क्वायर है क्या, आप चेक नहीं करते हो, ब्लाइंडली फेथ मत रखो, श्रद्धा और सबूरी पेशेंस रखो बट ब्लाइंड फेथ पर मत रखो, एक मिस्टेक हो सकती है, आपके भी आंसर ये आना चाहिए 1 into 1 1 0 into -1 0 1 आएगा पहली एंट्री, 1 0 और 0 7 0 होगा, -1 -7 -8 -1 into 0 0 7 7 49, ये सभी एंट्री सही है, यू गॉट ए स्क्वायर, चलो आपके पास ए स्क्वायर मिला है। ओके तो हमने आपको पूछा था, यस सर, बच्चों बोलो सर, मैं आपको यूट्यूब चैनल की लिंक सेंड करूंगा आज, जिसपे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, कुछ बच्चे न्यूली ज्वाइन हुए वो पूछ रहे हैं डेट कब कौन सा टॉपिक का, इसकी प्रॉब्लम हो रहा है मुझे पर्सनली, तो मैं आपके साथ मेरा लिंक शेयर करूंगा आज। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अभी हम जो है धीरे धीरे जा रहे हैं, उनके न्यू बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि कौन सा लेक्चर कंडक्ट हुआ, इस टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर का हुआ हुआ है, उनको बोलो कि आप जो ना जाते हैं ना वहाँ से शुरुआत करो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बताते जाएंगे। ओके ओके ठीक है सर, और साथ में से मैं आपको क्लासरूम में ऐड कर रहा हूँ, गूगल क्लासरूम, कल तक आपका क्लासरूम अलग सेपरेट बना लूंगा बच्चों के लिए, जिसमें आप डायरेक्टली बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं सर। अभी हमें इसको कंप्लीट कर देते हैं। ओके। एस पर आपको मिल गया है, यू गॉट एस पर, हमने आपको पूछा था डायरेक्ट, हम बताएंगे कि डायरेक्टली कैसे फाइंड करोगे, कि ये हमारा मेरा क्वेश्चन था, तो भी हम पूरे स्टेप लेके जा रहे हैं, हम जो है ना सभी स्टेप लेके जा रहे हैं। अच्छा 1 0 -8 नहीं है, -8 नहीं है,
10149 है माइनस 849 है। ओके 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 हाँ यस 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 बाकी लोगों को बता दे। यस सर बताऊंगा जो लोग वो एक्सेंट है सी व्हाट यू आर व्यूअर्ड डोज यू वेर अपलोडेड फॉर यू द वीडियोज वेर अपलोडेड आपके लिए तो भी हम आज भी बता हर एक में बताते हैं। अभी मुझे जो लोग पुराने उन्होंने बताना है मुझे व्हाट इज द आवर मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली माइनस 8 है प्लस 1 है 49 के चलो ए स्क्वायर में चलो हम के बताते हैं आपको के इधर ऐसा के लिखने का इधर ये लिखने का 10 माइनस 1 सभी लोग जो नए हैं वो ध्यान दो। यस माइनस 8 सही है वेरी गुड वेदांत। अब के मतलब क्या ये जो के है ना सभी को मल्टीप्लाई करता है के नंबर है इन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया के 1000 के 00 के इंटू माइनस 1 माइनस के ओके जो एब्सेंट चिंता मत करो हमारा आपको बराबर बराबर लेके जाएंगे के इंटू 7 थोड़ा धीरज रखो पेशेंस रखो 7 के तो आपके पास मिल गया के ए मैट्रिक्स तो लेट मी राइट के ए के मैं ऊपर लिखता हूँ बाद में आपको रेफरेंस के लिए आएगा के 0 माइनस के 7 के दिस इज मैट्रिक्स के ए है ना। अभी आपके पास ए स्क्वायर भी मिला है आपको आपके पास के भी मिला है अभी आपको चाहिए माइनस टू आई चाहिए ये वैल्यू चाहिए आपके पास माइनस टू आई मतलब प्लस टू आई निकालो बाद में आपको माइनस टू आई मिलेगा। चलो ए स्क्वायर भी मिला है के ए भी मिला है अभी टू आई निकालो टू आई बहुत सिंपल है टू आई मतलब 2 × 1001 अब मल्टीप्लाई करेंगे 2002 सबको बता देता हूँ नंबर जब मल्टीप्लाई करता है तो हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेगा इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू आई टू इंटू आई मतलब इस तरह का मैट्रिक्स 1001 इधर 1 होगा ये सभी 0 हो गए ये 01 अभी इसमें दो ही दो रो क्यों लिए फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्योंकि इसमें दो रो और दो कॉलम इसमें अगर दो रो दो कॉलम है तो इधर भी दो रो को दो कॉलम उसे कहते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर तो 2i मिला 2002 तो यू आर राइटिंग 2i इज 2002 आपके पास 2i भी मिला है। अभी हम आगे जाएंगे आपको लेके यस तो ये हमारा ए स्क्वायर इज के ए माइनस टू आई ए स्क्वायर विल बी के ए माइनस टू आई योर ए स्क्वायर विल बी के ए माइनस टू आई यू गॉट इट आपको मिला है ये ए स्क्वायर विल बी के ए माइनस टू आई आपको मिला है ये ओके बहुत ही सिंपल है कुछ भी नहीं करना है आपको। अभी हम आपको बता दें ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस टू आई ये हमारा इक्वेशन है तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट करेंगे और इक्वेट करेंगे इक्वेलिटी से आपको बताना है ए स्क्वायर क्या है हमारा 1 माइनस 8 49 के ए कौन सा मैट्रिक्स है के ए मतलब ये के 0 इसको ए को मल्टीप्लाई करो के से के 0 माइनस के 7 का हमारे पास है भी है के 0 माइनस के 7 के माइनस टू आई माइनस टू आई कौन सा मैट्रिक्स है हमारा विच इज द मैट्रिक्स विच इज गिविंग यू द माइनस टू आई कौन सा मैट्रिक्स आपको माइनस टू अच्छा के का वैल्यू फाइंड किया आपने यू गॉट द वैल्यू बताइए क्या आएगा वैल्यू आपके
अभी हम लिखते हैं 2i, मतलब 2002, वो 2i 2002 क्यों आया था? बिकॉज i वाज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 2 ने मल्टीप्लाई करके, i मतलब इस तरह का मैट्रिक्स, 2 ने मल्टीप्लाई करके 2 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 2 होगा, क्योंकि 0 है, इसलिए 2002। अब राइट साइड का सबट्रैक्शन करेंगे, बाकी को मिटा देंगे आप, राइट साइड का सबट्रैक्शन, राइट साइड का सबट्रैक्शन करेंगे, ठीक है? वैल्यू आपको बताना है, कंप्लीट वैल्यू क्या होगा, इन वी सबट्रैक्ट राइट साइड, देखिए बहुत सारे वैल्यूज आने की पॉसिबिलिटी होती है, या कि एग्जिस्ट होता है नहीं, ये भी प्रॉब्लम आता है कभी कभी, आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, k की वैल्यू एक्चुअल क्या होगी? एक वैल्यू आपकी k की है टाई, क्या इसमें k की वैल्यू पॉसिबल है? ये जो दिखा है के माइनस टू आई में, क्या इसमें वो वैल्यू पॉसिबल है या नहीं? नो, उसमें के दो वैल्यू आ रहे हैं, मतलब हाँ के जो अलग अलग वैल्यू आते हैं ना, वो वैल्यू इधर पॉसिबल नहीं है, इज इट राइट? तो देखो ना, के दो वैल्यू, मतलब एक किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, इज इट राइट? ऐसे देखो, अगर हम लेके वन इज इक्वल टू के माइनस टू, हमें मिलेगा के माइनस टू इक्वल टू वन, और दूसरा मिलेगा माइनस एट इक्वल टू माइनस के माइनस जीरो, हमें के की एक वैल्यू एट मिलती, के की एक वैल्यू थ्री मिलती, तो वी आर गेटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, तो एक ही इक्वेशन में ऐसे दो डिफरेंट वैल्यू नहीं चलेंगे, एट ए टाइम एक ही वैल्यू चलनी चाहिए, समझो आपने थ्री पुट किया तो इधर के इक्वल टू एट वाले जगह आंसर नहीं आया अपना, सही आया, मतलब ये इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है, ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस टू आई, ये नहीं रहेगा फॉर एनी के, इट विल नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, और तीसरा क्या आता आपका, सेवन के माइनस टू इज 49, 7k is 51, k will be 51 upon 7, अलग अलग वैल्यूज आते हैं तीसरे भी, नहीं दो दो में कॉन्ट्रडिक्शन मिला तो आगे जाने की जरूरत है, दो में दो सही आए तो तीसरा चेक करना पड़ता, वो भी सही होना चाहिए, k के अलग अलग वैल्यूज हमारे पास आ रहे हैं, what does it mean? So it is not possible to find the value of k, तो फिर इसमें क्या चेंज होने चाहिए कि के स्क्वायर ए और टू आई आई ऐसा मैट्रिक्स होने के बाद, मेरा ये सवाल है कि इसमें हमें क्या चेंज करने चाहिए कि उधर एक आधा के और ये जो टू है ना, ये टू आई, इसकी वजह से ये टू आई नहीं चलेगा, फिर अगर अगर के आई लिखते हो तो आपको टू आई की जगह कोई दूसरा नंबर लिखना पड़ेगा, के आई की जगह ए स्क्वायर इक्वल टू, तो चलो हम आपको बता दें ए स्क्वायर इसी मैट्रिक्स में ये के या आई का मल्टीपल कौन सा होगा, तो ये इक्वेशन ट्रू रहेगा, तो इसी मैट्रिक्स को हम क्या बताएंगे, ए स्क्वायर इक्वल इसी मैट्रिक्स में के आई माइनस या प्लस माइनस पी आई, तो हम ये के और पी फाइंड करेंगे इसी मैट्रिक्स में, ये हमारे माइनस टू के लिए नहीं आया है और के नहीं मिल रहा था, तो हमें एक नंबर इधर एक एडजस्ट, कौन से नंबर के लिए ये इक्वेशन ट्रू होगा, हमारा मैट्रिक्स है 1 0,
माइनस सेवन वन जीरो माइनस वन सेवन। चलो हम इसमें पुट करेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारा था आपको अगर याद होगा, और इधर होगा के, ये के जीरो माइनस के सेवन माइनस, अभी हम पी कर रहे हैं तो पी जीरो जीरो पी। अब हमको ये नंबर फाइंड करने के और पी, क्योंकि ये टू आई के लिए हमारी कंडीशन सही नहीं थी, वन जीरो माइनस एट 49। अब हम इक्वेशन बनाएंगे कैसे, इधर ऐसा ही रहेगा वन जीरो, राइट साइड में हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे, के माइनस सी पहला इक्वेशन मिलेगा, के माइनस सी दूसरा एलिमेंट जीरो माइनस जीरो जीरो, माइनस के माइनस जीरो माइनस के, सेवन माइनस सी सेवन के माइनस सी, सेवन को के ने मल्टीप्लाई किया ना तो सेवन के माइनस थ्री। ओके हाँ चेक करेंगे ना पी माइनस सेवन या माइनस वन है, सेवन के माइनस थ्री, अभी के माइनस थ्री वन है, पहले इक्वेशन से कुछ नहीं मिलेगा, माइनस के माइनस एट है तो के का वैल्यू एट होगा, अभी एट वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट करो, के का वैल्यू 8 माइनस पी इज 1 है तो पी विल बी 7, और पी और के तीसरे इक्वेशन में पुट करो। चलो हम आपको बता दे, ये देखो के माइनस पी 1 आएगा तो माय फर्स्ट इक्वेशन इज विल बी के माइनस पी इज 1, यस बराबर है। अभी दूसरा ये जीरो से कुछ नहीं, माइनस 8 विल बी माइनस के, क्लियर, आई विल राइट ऑल द थ्री इक्वेशन, 49 विल बी 7 के माइनस पी 49 will be। अब चलो k का वैल्यू 8 है, p का वैल्यू 7, बहुत सही बताया तुमने, k का वैल्यू 8 है, p का वैल्यू 7, तीनों को सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन चाहिए। तो देखो इससे k 8 मिलेगा, वो 8 इधर पुट करो, 8 माइनस p 1 होगा तो p will be 7, ये दोनों वैल्यू तीसरे में पुट करो, 49 will be 49, k कितना 8, 56 माइनस 7, सही है, यू आर राइट, आ गई बात समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे वी हैव कंप्लीटेड जस्ट। अभी आपके लिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, आपको तुरंत वो वैल्यू, हाँ मैंने पूछा था आप डायरेक्टली ये वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, डायरेक्टली इक्वेशन बनाना है, ए स्क्वायर फाइंड करने के बाद आपको बाकी कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट इक्वेशन बनाने, डायरेक्ट इक्वेशन बनाने और इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलो आगे के लिए क्वेश्चन में हम बताएंगे आपको, अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड डायरेक्टली। वॉट एवर मे बी द क्वेश्चन यू कैन फाइंड डायरेक्टली द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, अब उसका आंसर जो है वो डायरेक्टली फाइंड कर सकते, बहुत ही सिंपल रहते हैं, कुछ भी नहीं करना होता। चलो ऑल ऑफ यू गॉट दिस आइडिया, हम लोग रिस्पॉन्स नहीं देते इसलिए हमें स्लो जाना पड़ता है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम कम होगी, कुछ भी नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन ज्यादा। नेक्स्ट, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। Our next problem is related with this. Unknown value find करना है। हमारे पास matrix है A 2 3 1 2, matrix A is 2 3 1 2, this is matrix A 2 3 1 2, और एक matrix है I 1 0 0 1, unit matrix, कुछ लोग नए हो गए तो उनके लिए ये unit matrix है। अब हमें ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए प्लस के आई ऐसा दिया है, तो आपको पी और के फाइंड करना है,
a square will be pa plus ki. Then what is the value of p and k? ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड करना है. ये नंबर है, दीज आर द नंबर. तो पहले आपको क्या करना है, ए स्क्वायर निकालो. व्हाट विल बी योर ए स्क्वायर? 2, 3 and 1, 2. रिपीट करो. ओके, पहला रो पहले कॉलम को 2, 2 आर 4, 4 प्लस 3, 7. सब लोगों को बता दे 2, 3 मल्टीप्लाई करेगा ऐसा. आप सभी लोग, बहुत सारे लोग नए हैं. पहला रो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा. पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा. इसमें तीन नहीं है, दो इस कॉलम है. तो पहले मैट्रिक्स का रो लेने वाले दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे. पहला रो होने के बाद सेकंड रो विल मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल मल्टीप्लाई टू द सेकंड कॉलम. करो ए स्क्वायर क्या आता है. What you got? देखिए 2 into 2, 4. First row, first column. ये 2, 3 जो है वो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा 2, 1 को. जो लोग नए उनके लिए बताते, पहला एलिमेंट पहले तो 2, 2 और 4, 4 प्लस 3, 7. तो 7 होगा आपका पहला एलिमेंट. 7 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7. अब ये पहला ही रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा. सेकंड कॉलम क्या है 3, 2. ऐसा मल्टीप्लाई करेगा. ये पहले मैट्रिक्स का है, ये सेकंड मैट्रिक्स का. ये 2 into 3, 6. पहला एलिमेंट पहले को दूसरे दूसरे को 3 into 2, 6, 6 plus 6, 12 ऐड करना है. नेक्स्ट बताइए नेक्स्ट एंट्री क्या होगी. व्हाट विल बी योर नेक्स्ट एंट्री? हाँ, बहुत सारे लोगों ने बताया. यस 7, 4, 12, 7. अच्छा 12 इधर है. अच्छा ओके 12, 7. हाँ बराबर. अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2, 2 into 2, 1, 2. देखो ऐसा ये 1, 2 रहेगा जो लोग नए उनके लिए. सेकंड रो है 1, 2. अभी इसका पहला कॉलम ले लेंगे 2, 1. ये 1, 2 को और ये 2, 1 को 4 हुआ. 2 plus 2, 4. अब रो वही रहेगा, कॉलम बदलेगा. 1, 2, 2, 1 को हुआ. अभी 3, 2 को मल्टीप्लाई होगा 3 और ये 4, तो 7 होता है. दिस इज ए स्क्वायर. अभी ये हुआ ना ए स्क्वायर. ए स्क्वायर आया 7, 12, 4, 7. अब हम पी ए फाइंड करेंगे. पी ए, पी ए बहुत सिंपल है. P into matrix A. Matrix A क्या है? 2, 3, 1, 2. 2, 3, 1, 2. When we multiply it, you will get what? Twice P. Thrice P. 2P. अच्छा ठीक है ठीक है. Good. के का वैल्यू आपने फाइंड किया है, चेक करेंगे. बाकी लोगों को बताना है, के फाइंड करो बोलना है. पी ए आया ना आपका 2P, 3P, P और 2P.
अब बाद में के आए, के आए बहुत सिंपल होगा, के आए होगा के जीरो जीरो के, तो हम के आए लिखते हैं, सब कैलकुलेट करेंगे पहले, के आए विल बी के इंटू वन जीरो जीरो वन, तो ये होगा आपका, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा के जीरो जीरो के, आपको ये पहले सब लिखना है, तो यू गॉट ए स्क्वायर, यू हैव पी ए एंड यू हैव के, के आए, हम सभी हम एक साथ सामने लाएंगे सामने और इक्वेशन बनाएंगे, 7 12 4 7 इक्वेशन बनाएंगे डायरेक्ट, ये मैट्रिक्स इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन है हमारा, मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन, बहुत सिंपल है मैट्रिक्स इक्वेशन, तो आप लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, यस पी फोर क्यू के माइनस वन आया, पी फोर के माइनस वन आया, टीचर स्टूडेंट अच्छे पार्टिसिपेट करते हैं, अभी कुछ नहीं, अब हम इसको सभी को सामने लाएंगे, क्या है हमारा इक्वेशन, ए स्क्वायर इज पी ए प्लस क्या है, फिर से लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए प्लस क्या है, अभी ए स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे, 7 12 4 7 होगा ए स्क्वायर, अब पी ए, पी ए की जगह पी ए का वैल्यू और के आई की जगह के आई का वैल्यू, पी ए क्या है, पी ए पहले कैलकुलेट किया 2p 3p 2p, और के आई क्या होगा के जीरो जीरो के, चलो अभी हम जाएंगे इक्वेशन बनाएंगे, 7 = डायरेक्टली इक्वेशन बनेगा, ठीक है एक स्टेप ले लेंगे, 7 12 4 7 2p प्लस के, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा जो एब्सेंट है उनके लिए, पहला पहले में, अभी ये एलिमेंट इसमें 3p + 0 3p p + 0 यानी p, 2p प्लस के मतलब 2p प्लस के, ओके बहुत सिंपल है, पी का वैल्यू 4 आया है, 3p 12 है मतलब पी 4 है, बहुत सही, दोनों जगह पी का वैल्यू सेम आ रहा है, 3p 12 एज वेल एज पी 4 दोनों जगह वैल्यू सेम है, 3p 12 तो पी का वैल्यू 3 4 12 आता है और इधर भी 4 आता है, पहले रो का दूसरा एलिमेंट और दूसरे रो का पहला एलिमेंट पी का वैल्यू 4 देता है, तो अब लिखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, आपका आगे का स्टेटमेंट होगा इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, लिखते जाना है आपको साथ में, देखिए अब लोग लिखेंगे सभी इक्वेशंस, आप लोग लिखने वाले, यू आर गोइंग टू राइट ऑल द इक्वेशन, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस विल गिव यू ऑल द इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन आपका क्या होगा 2p + k = 7, दूसरा होगा 3p = 12, तीसरा क्या होगा आपका इक्वेशन p = 4, ये p यहाँ से p अलग होगा, यहाँ से p अलग होगा, दोनों सेम हो गए तो ही इक्वेशन में p एग्जिस्ट होगा, और लास्ट होगा 2p + k = 7, हम सब मिटा देते हैं, इक्वालिटी देखो ये इसके इक्वल होगा, ये इससे इक्वल होगा, ये इससे इक्वल होगा, ये इससे इक्वल हुआ, तो ये हमारे इक्वालिटी के इक्वेशन आ गए, व्हाट आर आवर इक्वेशन, हमारा पहला इक्वेशन आया 2p + k = 7, दूसरा आया 3p = 12, तीसरा आया p = 4, चौथा है 2p + k = 7, लेट अस सॉल्व ऑल दिस इक्वेशन, सभी इक्वेशन से समझो ये दो इक्वेशन है, इससे भी पी फोर आता है, इससे भी पी फोर आता, मतलब पी फोर बराबर है, चलो पी की वैल्यू 4, दोनों से सेम आनी चाहिए, अभी ये वैल्यू इधर हम पुट करते 2 × 4 = 8 8 + k = 7, तो k का वैल्यू हमारा -1 आ रहा है, ये -1 हम इधर पुट करेंगे -2 आता था, फिर ये इधर पुट करेंगे -1, अब 4 × 2 = 8 - 2 बराबर है, इधर 1 पुट किया, यू आर गेटिंग 7, तो यू आर राइट, तो व्हाट इज वैल्यू, ये पुट करने के बाद अगर बोर्ड पैटर्न में होती है पूरा फर इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो हम लिखेंगे 2p + k
टू इंटू फोर प्लस के माइनस वन, एट माइनस वन सेवन, यू आर राइट। तो आपको आंसर लिखना है पी इज फोर एंड के इज माइनस। मेरा क्वेश्चन था और आज वही रहेगा लास्ट क्वेश्चन कि डायरेक्टली कैसे फाइंड करना है। चलो डायरेक्टली कैसे फाइंड करना, क्या कोई बताएगा डायरेक्टली कैसे फाइंड करना? अगर ये है, आपको पूछा है कि ये है और फाइंड करो, तो डायरेक्टली फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल इक्वेशन। चलो करना क्या है आपको, आपको सिर्फ दो ही एलिमेंट फाइंड करने, यू विल नॉट फाइंड ऑल द एलिमेंट। कैसे? आपको कंप्लीट प्रोसेस नहीं करनी, आपको ए स्क्वायर जो है ना, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में पहला रो निकालना है आपको, तो पहला रो पहला कॉलम, अरे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, टू थ्री ये टू वन को मल्टीप्लाई करेगा, टू टू जार फोर प्लस थ्री सेवन, ऐसा टू थ्री टू वन, अब टू थ्री थ्री टू को ऐसा टू थ्री जार सिक्स, थ्री टू जार सिक्स प्लस ट्वेल्व, बस स्केल काम हुआ आपका, इसकी जरूरत नहीं अभी आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, पी ए मतलब पहला रो निकाल, यही रो निकालना है, बाकी के रो नहीं, पी मतलब टू पी, और के आई मतलब के इंटू वन के, हो गए काम हमारा। अब पी ए कितना है आपका, थ्री पी, और के आई कितना होगा आपका, जीरो होगा। देखो ये डायरेक्ट हुआ, अब बस हो गया, ये दोनों को सॉल्व करो, टू पे प्लस के इक्वल टू सेवन और थ्री पी ट्वेल्व, कुछ भी नहीं, पी का वैल्यू फोर है, ये फोर इसमें पुट करो, एट प्लस के इज सेवन, के का वैल्यू माइनस वन। चलो मैंने तो लिख के दिया, लिख के ही दिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ दो एलिमेंट से हमको वैल्यू मिलते हैं, दो एलिमेंट। तो राइट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, आगे भी आप ऐसा ही करोगे तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम हम देते। देखो ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर इधर डायरेक्ट टू पी प्लस के, पी ए प्लस के आए, एक ही एंट्रीज में पहला और दूसरा एंट्री, हाँ होमवर्क, इसको मिटा लिखना है आपको, या कुछ भी करो, लास्ट वन मिनट में दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास है मैट्रिक्स ए, ए है वन टू 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 वन टू, वन टू 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 वन टू मैट्रिक्स ए। अब ये थ्री बाय थ्री है, रहने दो थ्री बाय थ्री, आपको एक ही रो निकालनी है, वन टू 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 वन टू 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 वन, ये मैट्रिक्स ए, ओके। और आपको दिया है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस फाइव आई, ए प्लस फाइव आई, आई मतलब थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स है, आई वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के प्लस फाइव आई।